नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में गौ हत्या के मामले को लेकर अब बजरंग सेना द्वारा कड़ा विरोध किया गया। रीवा में बजरंग सेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर यह मांग की है कि गाँव में बजरंग बली मंदिर के सामने दो मृत अवस्था में प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है, जहां पर दो गायों की मौत हुई है, हत्या की गई है। ये पूरा मामला गांव तिवनी का बताया जा रहा है। इसमें बजरंग सेना ने ये मांग की है कि गौ हत्या करने वाले दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बजरंग सेना के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला ने सीसीटीवी कैमरा चेक कर गौ हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ धारा 302 हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग। शहडोल जिले में ढोंगी बाबा द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ बीमारी ठीक करने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। झाड़फूंक के नाम पर बाबा गोपाल दास पनिका ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। शारीरिक संबंध बनाकर 3 महीने के अंदर नाबालिग की बीमारी ठीक करने का बाबा ने दावा किया था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब नाबालिग के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो युवा बाबा की पोल खुल गई। पीड़ित ने मामले की जानकारी परिजनों को देते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ढोंगी बाबा के खिलाफ 376 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र का बताया गया। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के ग्राम झाज से अजब गजब मामला सामने आया है। बता दें कि चुनाव प्रचार और मतगणना के बाद भी कुछ असंतुष्ट प्रत्याशी और प्रशासन में ठनाठनी बनी हुई है। कुछ प्रत्याशी अजब गजब आरोप लगा रहे हैं तो वहीं कुछ प्रत्याशी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पूरे दलबल के साथ तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आए। प्रत्याशियों और प्रशासन दोनों के अपने अपने तर्क हैं, पर पेच कहां फंस रहा है या किसी को समझ नहीं आ रहा। अधिकांश जगहों पर चुनाव परिणाम को लेकर सामंजस्य बना हुआ है तो वहीं कुछ ऐसे भी ग्राम पंचायतें हैं और जिला पंचायतों के वार्ड हैं जिसको लेकर प्रत्याशियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इन जगहों को लेकर के आम जनता में भी असमंजस की स्थिति बनी है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत झाज से आने वाले सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने रामपुर नैकिन तहसील कार्यालय का घेराव किया, जहां सरपंच पद के प्रत्याशी द्वारा ऐसा दावा किया गया कि पहले तो वह जीत गया लेकिन प्रमाण पत्र दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। इस पूरे मामले में आंदोलनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पद के लिए प्रत्याशी को कुल 29 मतों से पहले जीत मिली थी, लेकिन प्रमाण पत्र बांटने के दौरान दल प्रताप सिंह गौड़ लगभग 97 वोट से जीत गए, उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया। शुक्रवार को सभी ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। मांग करने लगे कि दोबारा से मतगणना कराई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रमाण पत्र में हेराफेरी हुई है। देर शाम तक ये आंदोलन चला, जमकर नारेबाजी हुई और लोग अपनी बात पड़ा रहे, जिसके बाद मौके पर SDM द्वारा पहुंचकर समझाइश दी गई और कहा गया कि बिना हाईकोर्ट के आदेश के अब कुछ नहीं किया जा सकता, जिसके बाद जाकर मामला शांत हो पाया। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी अंतर्गत जैतपुर बस्ती में मानव नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में लेते हुए मामले की पड़ताल में जुट गई। दरअसल जयंत चौकी क्षेत्र अंतर्गत जैतपुर निवासी सतीश विश्वकर्मा पिछले 26-27 जून की आधी रात से गायब था, जिसकी सूचना परिजनों ने जयंत चौकी में 3 जुलाई को दर्ज कराई। इसके बाद मृतक के बेटे की मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से 2 जुलाई को उसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई। युवक के गायब होने के बाद पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को एक व्यक्ति के संदेह होने पर सोनू बंसल को देवसर से गिरफ्तार करते हुए पूछताछ के लिए पूछताछ की गई, जहां 15 जून की देर शाम सोनू ने बताया कि सतीश की हत्या कर उसे जैतपुर बस्ती के नाले में फेंक दिया गया है, जिस पर पुलिस ने आज सुबह ही मृतक की तलाश में जुटी और अंत में नरकंकाल के रूप में मृतक के शव को ढूंढ पाने में सफलता हासिल की। हालांकि पुलिस मामले को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं बता रही है। दिनांक 3/7/2022 को एक गुमनसान कायम हुआ था। खितिस विश्वकर्मा ने सूचना दी थी कि उसका लड़का सतीश विश्वकर्मा लगभग 26 तारीख से मिसिंग है, 26 जून से मिसिंग है। उस पर गुमनसान दर्ज किया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। लास्ट सीन पता चला कि एक सोनू बंसल नाम का लड़का है जो आखिरी में उसके साथ देखा गया है, तो उसकी तलाश की गई। जब वो दस्तियाब हुआ तो उसे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने उसकी हत्या करके उसे नाले में फेंक दिया था। तो उससे तलाश कराई गई तो वहाँ नाले में कंकाल वगैरह मिले हैं, उसके कपड़े मिले हैं, मृतक के कपड़े मिले हैं, जिससे उसके परिवार और पहचान की किसी के कपड़े हैं, और पोस्टमार्टम के लिए
हड्डियाँ और जो बरामद हुआ है उसको रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सर वजह क्या बताई, किस वजह से हत्या? अभी पूछताछ जारी है, अभी बाकी और चीज़ें नहीं खुल पाई है, पूछताछ के बाद और विस्तृत क्लियर हो पाएगा। सर इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया क्या? अभी तक ये क्लियर नहीं है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।